नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूकेपीएससी अपडेट्स। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 12th पास के लिए क्लर्क लेवल पे भर्ती निकाली हुई है, जिसको आप जानते होंगे। इसका नाम है CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। दोस्तों, 3700 पद पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है और बाकी इसमें क्लर्क लेवल की पोस्ट है। दोस्तों, इसकी जो एग्जाम फीस रखी गई है वो है 100 रुपये। दोस्तों, इसका जो एग्जाम मोड होगा वो होगा ऑनलाइन मोड में। दोस्तों, एग्जाम को दो फेज में लिया जाता है, प्री और मेंस। मेंस में आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाता है और प्री में आप एक तरीके से जो प्री क्लियर करता है उसी को मेंस में बैठने का मौका दिया जाता है। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी क्लर्क लेवल की पोस्ट होती है वो CHSL के माध्यम से भरी जाती है। तो इस फॉर्म को आप 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। दोस्तों, इसकी फीस 100 रुपये रखी गई है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है और इसको एक बड़ी बॉडी कंडक्ट कराती है, तो इनकी जिम्मेदारी रहती है कि कम पैसे में देश का हर व्यक्ति इस फॉर्म को भर पाए, इसलिए इसकी फीस कम रहती है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड दोस्तों एग्जाम रहने वाला है। और इसके जो प्री एग्जाम की जो डेट है वो है जून से जुलाई, और मेंस की इसकी अभी डेट नहीं निकाली गई है। तो आपको जो एग्जाम है प्री, ये आपको टाइम पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें जो पोस्टें रहने वाली हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। ठीक है, तो इसमें पोस्टें रहने वाली हैं। दोस्तों, वैकेंसी आपको पता है 3700 वैकेंसी है, जो कि सेंट्रल लेवल पर बहुत अच्छी है। ठीक है, 3700 वैकेंसी आना सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछली बार 1500 ही वैकेंसी इसमें निकाली गई थी। तो दोस्तों, जो एप्लीकेशन फीस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। उसमें जो सिलेबस रहता है दोस्तों, वो आता है इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स और जीके। ठीक है, तो इसमें चार तरीके की नॉलेज आपसे ली जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये प्री का दोस्तों, मेंस में भी इसी तरीके से रहेगा, प्लस मेंस में आपका स्किल टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, तो ये तो उसमें आएगा ही आएगा, इंग्लिश जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जीके और प्लस स्किल टेस्ट। तो आप दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी दोस्तों, चैनल पर अपडेट्स के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।